में फिर हाजिर हूँ 3 मिनट के वीडियो के साथ। और इसमें मैं बात करूँगी योगा के 3 प्रकारों के बारे में। तो पहला है ज्ञान मुद्रा, दूसरा है उद्गीत प्राणायाम और तीसरा है ब्रज आसन के बारे में। और इन आसनों और प्राणायामों को हर उम्र के व्यक्ति इसे आसानी से कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे और अपने हाथ, खासकर जो फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर के टॉप के भाग को हम प्रेस करेंगे और बाकी 3 फिंगर को हम खुला छोड़ देंगे। तो ये है ज्ञान मुद्रा। यह मुद्रा बहुत ही अच्छा है खासकर स्टूडेंट के लिए, बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेट को बढ़ाता है और हम जो भी प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो उस पर भी हम ज्ञान मुद्रा का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं उद्गीत प्राणायाम के बारे में। तो उद्गीत प्राणायाम को भी हम किसी सुखासन या पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, वो लोग चेयर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम बेड पे भी कर सकते हैं। और जो लोग ऑफिस में भी हैं वहाँ पर भी वो चेयर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा जो मैंने बताया है इस पर हम अपने हाथों को रखेंगे, सांसों को गहरा भरेंगे और सांसों को ओम के उच्चारण के साथ हम छोड़ेंगे। तो एक बार मैं बताती हूँ आपको। तो गहरा सांस लेंगे, सांसों को ओम के उच्चारण छोड़ेंगे, ओम। और इसे कम से कम 3 से हम 5 बार करेंगे। और ये बहुत ही, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, खासकर अनिद्रा को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, मानसिक तनाव जो हो जाता है उसे कम करता है और काम को फोकस करने के लिए और के लिए बहुत ही अच्छा है उद्गीत प्राणायाम। अब हम बात करते हैं ब्रज आसन के बारे में। तो इसमें हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे और सारा प्रेशर अपना, पूरी बॉडी का प्रेशर अपने पूरे जो घुटने और पंजे और एड़ियों पे हम लगाएंगे। तो यह आसन बहुत ही अच्छा है, खाने के बाद इसे किया जाता है और खाने से पहले भी कर सकते हैं। तो स्पेशली ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी, गैस को ही दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है और हर उम्र के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये बात करूँगी कि मुझे योगा से क्या क्या फ़ायदे मिले। तो मुझे योगा के बहुत फ़ायदे मिले और मैं कम से कम 10 सालों से योगा का अभ्यास कर रही हूँ। तो मुझे पहला फ़ायदा अगर मैं बताऊँ तो मेरी शरीर में बहुत ही सकारात्मकता की वृद्धि है, पॉजिटिविटी, हर परिस्थिति में पॉजिटिव कैसा रह जाता है ये मुझे योग से सीखा। दूसरा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हुआ है। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप लोग भी योग को अपने जीवन पर अपनाएंगे और अपने लाइफ को खुश रखेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो और हैप्पी इंटरनेशनल योगा।